हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फिटर का वीडियो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है, वो दो टॉपिक कवर होंगे आज, वेल्डेड ज्वाइंट और पाइप ज्वाइंट। तो वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है अंत तक देखने के बाद, तो आप ज़रूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आइए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वेल्डेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट आप जानते हैं कि इसके पहले आपने जॉइंट पढ़े थे, जैसे बट जॉइंट पढ़ा था, लैप जॉइंट पढ़ा था। तो इसी तरह इसमें जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग में भी कई प्रकार के जॉइंट होते हैं। यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट दिखाई दे रहे हैं हमको, वो है बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट और एज जॉइंट। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जो जॉइंट हैं वो पांच प्रकार के हैं, और इनको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए आपके सामने ये चित्र में चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो चित्र है ये किसका है, बट जॉइंट का है। तो बट जॉइंट में ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो जॉइंट है ये बट जॉइंट है। द जॉइंट विच इज़ फॉर्म बाय अ प्लेसिंग द एंड ऑफ टू पार्ट्स टुगेदर इज कॉल्ड बट जॉइंट। जब दो पार्ट्स को एक लास्ट में, जब जहाँ दोनों पार्टों का अंत होता है एक साथ जोड़ते हैं, तो उसको हम बट जॉइंट कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये बट जॉइंट। इक्वल विड्थ एंड हाइट, बराबर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्क्वायर बट वेल्ड, बेवल ग्रूव्ड वेल्ड, वी ग्रूव, जे ग्रूव, यू ग्रूव, फ्लेयर वी ग्रूव्ड, फ्लेयर बेवल ग्रूव, इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट है कॉर्नर जॉइंट। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ा गया है वेल्डिंग के माध्यम से, ठीक है ना। ये है आपका कॉर्नर जॉइंट। डायग्राम को ज़रूर समझिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, ये भी इसी तरह से कॉर्नर जॉइंट भी कैसे होते हैं, फिलेट वेल्ड होता है, स्पॉट वेल्ड होता है, स्क्वायर ग्रूव होता है, वी ग्रूव होता है, बिवेल ग्रूव होता है, यू ग्रूव होता है, जे ग्रूव होता है। तो ये एज वेल्ड कॉर्नर कई प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला जॉइंट है, उस जॉइंट का नाम है टी जॉइंट। टी जॉइंट में आप देख सकते हैं कि दो प्लेटें हैं, एक प्लेट को उसके सेंटर में 90 डिग्री में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है स्टूडेंट, 90 डिग्री में इनको जोड़ा गया है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं यहाँ जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री में इसको यहाँ पर जोड़ा गया हुआ है। इस पर देख लेते हैं क्या लिखा है, द जॉइंट विच इज़ मेड बाय इंटरसेक्टिंग टू पार्ट एट अ राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, एंड वन पार्ट लाई एट द सेंटर। कहाँ पे जोड़ते हैं स्टूडेंट, बीच में जोड़ते हैं। इट इज़ कॉल्ड टी जॉइंट एज टू पार्ट वेल्डेड लुक लाइक आइदर लेटर टी। और दोनों पार्ट जब जुड़ते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, टी प्रकार से दिखाई देते हैं। और ये कितने कितने प्रकार के होते हैं, देखिए टी जॉइंट फिलेट वेल्ड होता है, प्लग वेल्ड होता है, स्लॉट वेल्ड होता है, बिवेल ग्रूव्ड वेल्ड होता है, जे ग्रूव वेल्ड होता है, फ्लेयर बेवल ग्रूव्स होता है, मेल्ट थॉट वेल्ड होता है। इस प्रकार ये इनके प्रकार होते हैं। अगला जो है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है स्टूडेंट, दो प्लेटों को एक के ऊपर एक रख कर हम जोड़ते हैं, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दो प्लेटें हैं और इनको कैसे जोड़ा गया, एक प्लेट ये है प्लेट नंबर वन एंड दैट इज़ अ प्लेट नंबर टू, और इनको एक के ऊपर एक रखकर जोड़ा गया है। तो इस प्रकार का जो जॉइंट होता है, इसको हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट, लैप जॉइंट बोलते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, देखिए फिलेट वेल्ड, बिवेल ग्रूव वेल्ड, जे ग्रूव वेल्ड, प्लग वेल्ड, स्लॉट वेल्ड, स्पॉट वेल्ड, है ना। तो इस तरह से अफेयर बेवल ग्रूव वेल्ड, इस प्रकार के ये जॉइंट होते हैं। एज जॉइंट, एज जॉइंट जो होता है
देख सकते हैं एज जॉइंट में हम कॉर्नर से जो इसका एज होता है, जैसे एज आप समझ सकते हैं पोर्शन को, द जॉइंट फॉर्म बाय वेल्डिंग एज ऑफ टू पार्ट्स टुगेदर, जब दो जॉइंट कहाँ से जोड़े जाते हैं, उनकी एज से जोड़े जाते हैं, उनके पॉइंट से जोड़े जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वेल्डेड जॉइंट। क्या कहलाता है ये, सॉरी एज जॉइंट, दैट इज़ एज जॉइंट। यहाँ से आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ये भी देखिए कितने प्रकार के होते हैं, स्क्वायर ग्रूव वेल्ड और बैट वेल्ड इसको कहा जाता है, बेवल ग्रूव वेल्ड, वी ग्रूव वेल्ड, जे ग्रूव वेल्ड, यू ग्रूव वेल्ड, एज फ्लैंज वेल्ड, कॉर्नर फ्लैंज वेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम में आपको सिंबल्स बनाने के लिए आ सकते हैं। तो देखिए फिलेट का सिंबल कैसा होता है, ठीक है, स्क्वायर बट का सिंबल गौर से देखिए, सिंगल वी बट, डबल वी बट, सिंगल यू बट, डबल यू बट, सिंगल बेवल बट, डबल बेवल बट, सिंगल जे बट, डबल जे बट, स्टड, बीड इज और सील, सीलिंग रन, स्पॉट, सीम, स्टिच, प्लग वेल्ड। तो ये अलग अलग आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट है ना, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके, आपके एनसीबीटी की ये बुक है ना, जो उस पर लगती है निम्मी पैटर्न में, तो ज़रूर ध्यान से पढ़िए सारे स्टूडेंट। अगला जो है आप देख सकते हैं, अगला हमारा टॉपिक आ गया है, नया टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है स्केच ऑफ पाइप एंड पाइप जॉइंट। सबसे पहले ये समझिए कि पाइप का उपयोग क्या है, पाइप क्या करता है, फ्लूइड को कैरी करता है, वाटर को कैरी करता है, लेके जाता है स्टीम को, भाप को, ऑयल को, गैस को, जिनको ये सब ले जाने में उपयोग आता है हमारा पाइप। ये कैसा होता है, ये सर्कुलर पाइप होता है ना, ये मेड ऑफ किससे किससे बना होता है, कास्ट आयरन से, स्टील से, कॉपर से, एलुमिनियम से, प्लास्टिक से, सीमेंट से और भी चीज़ों से ये बना होता है। तो जब हम पाइपों को जोड़ते हैं तो हमको उसके लिए एक लेआउट बनाना पड़ता है अलग अलग विधियों के माध्यम से, जिसको हम प्लम्बिंग कहते हैं, है ना। कॉमनली यू प्लम्बिंग का आपने नाम सुना होगा, प्लम्बर का, कॉमनली यूज पाइप जॉइंट, हम जनरली उसके लिए पाइप जॉइंट का उपयोग करते हैं। द पाइप स्पेशल एंड द ड्राइंग मेथड पाइपिंग लेआउट यूजिंग सिंबल्स और डिस्कस्ड ऑन द, यहाँ पे हम पाइप के लेआउट और उसके प्रतीक चिन्ह यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाइप जॉइंट के बारे में। पाइप इज़ द ट्यूब, पाइप क्या होती है, ट्यूब होती है, जर्नली कंसीडर एज अ सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में उसको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं कि उसका जो एरिया होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर और क्रॉस सेक्शन होता है। पाइप आर एज्यूम टू बी अ स्ट्रेट एंड स्टिफ, है ना, सीधी और स्टिप होती है, एंड आर अवेलेबल अ स्टैंडर्ड लेंथ, और एक स्टैंडर्ड लेंथ में अवेलेबल होती है। एट द सेम टाइम, उसी समय अ ट्यूब इज एज्यूम्ड एज अ फ्लेक्सिबल पाइप, है ना। ट्यूब को हम किस रूप में लेते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह द साइज ऑफ अ पाइप इज डिजाइंड बाय इट्स इनर डायमीटर एंड थिकनेस, जो साइज होती है पाइप को किसके, उसके आंतरिक जो व्यास होता है मोटाई उसके अनुसार होती है। पाइप आर ज्वाइन में भी कैसे कैसे इसको ज्वाइन किया जा सकता है, स्क्रूड पाइप, स्क्रू द्वारा वेल्ड करके, फ्लैंज पाइप द्वारा, ठीक है ना, इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, या स्क्रूड फ्लैंज द्वारा, ग्लाइड और सीमेंट पाइप ज्वाइंट कर सकते हैं, या शोल्डर पाइप ज्वाइंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। अगर ये आप मिस कर देते हैं तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाने से चूक जाएंगे। तो ज़रूर ध्यान से सुनिए। तो ये अगला जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं फिगर नंबर वन में, पहला स्क्रूड पाइप जॉइंट, कैसे स्क्रू के द्वारा आपने थ्रेड के द्वारा इसको हम कस सकते हैं और जोड़ कर लगा सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा है वो वेल्डेड, वेल्ड करके वेल्ड जोड़, देखिए वेल्डेड जॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इन सब डायग्राम को आपको बना के प्रैक्टिस करनी है, देख लीजिए ध्यान से। तीसरा है फ्लैंज पाइप जॉइंट, जो अभी हम पढ़ रहे थे, है ना, ये फ्लैंज है,
नेक्स्ट जो है आपका स्क्रूड फ्लेंज है, ये देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला है वो कौन सा है देख सकते हैं स्टूडेंट, ग्लाइडेड पेन पाइप जॉइंट है। उसके बाद है शोल्डर पाइप जॉइंट, ठीक है। इस तरह से ये सारे पाइप जॉइंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट हैं, इनका डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिस करना है और बना के आपको इसको व्हाट्सएप भी करना है। नेक्स्ट जो हम अगला पढ़ने हैं ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। अब ये जो अगला है जॉइंट, ये इनकी प्रैक्टिस भी आपको बनाना है। देखिए पहला है आपका ये कपलर, ठीक है ना। कपलर के बाद है रिड्यूज़र। रिड्यूज़र का काम क्या है, अधिक से कम करने का काम करता है। ये एल्बो है, 90 डिग्री का एल्बो है, ये 90 डिग्री रिड्यूज़र दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला है वो है 90 डिग्री बैंड, ठीक है, फिर रिटर्न बैंड। इसके बाद टी, नेक्स्ट इस क्रॉस आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद क्लोज निपल, शॉर्ट निपल, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट निपल विथ हेक्सागोनल ग्रिप देन होज निपल, आप देख, ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली देखा भी है। इसकी आपको, इसको आपको बना के ड्राइंग बनाना भी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ध्यान से देख लीजिए, मेल प्लग, नीचे फीमेल प्लग, स्क्रूड यूनियन, और ये देख सकते हैं ये फ्लेंज है। ये आपको असेंबली में भी फ्लेंज आपको पढ़ना पड़ेगा, फ्लेंज कपलिंग के बारे में। तो ये आप अभी देख लीजिए इसको, ये फ्लेंज का पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये है, इसके बाद जो नेक्स्ट इस पे चीज़ें हैं जो आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पाइप लेआउट ड्राइंग डबल लाइन आइसोमेट्रिक लेआउट, सिंगल लाइन आइसोमेट्रिक लेआउट, डबल लाइन आर्थोग्राफिक लेआउट, सिंगल लाइन आर्थोग्राफिक लेआउट, सिंगल लाइन डेवलप्ड लेआउट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे डायग्राम बने, डबल लाइन आइसोमेट्रिक लेआउट का ये आप बना सकते हैं, फिर सिंगल लाइन आइसोमेट्रिक लेआउट बना हुआ है, फिर इसके बाद डबल लाइन आर्थोग्राफिक लेआउट बना हुआ है आपका, सिंगल लाइन आर्थोग्राफिक लेआउट है ये, और ये सिंगल लाइन डेवलप लेआउट, इसको आपको इसी तरह से ठीक बनाना है। ये आप देख सकते हैं एल्बोज बने हुए हैं अलग अलग डिज़ाइन के। इसके बाद ये रिड्यूज़र टी ब्रांच बनी हुई है जैसा कि अभी आपको डायग्राम दिखाया जा रहा था। नेक्स्ट इसके बाद है एसेंट्रिक रिड्यूसर, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, कैप, प्लग, कपलिंग, रिड्यूसर्स, ये सारे डायग्राम की आपको बना के प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। शॉर्ट निपल, क्लोज निपल, यूनियन, लॉन्ग निपल, पाइप थ्रेड्स, और लास्ट में ये जो डायग्राम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ये एक डायग्राम आपको बनाना है, शॉर्ट निपल, 45 डिग्री, यूनियन, इस तरह से पूरी पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है ये देख लीजिए, इसको आप बना के दिखाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई चीज़ कमेंट करें। और आज के वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।